अच्छा, तो हमेशा जो जर्नल जो पेपर आप पढ़ेंगे उसका जो टाइटल होता है वो टाइटल उस पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए वीकली सुपरवाइज फ्रेमवर्क फॉर COVID-19 क्लासिफिकेशन एंड लियन लोकलाइजेशन फ्रॉम चेस्ट सीटी. यहां से हमें इस टॉपिक को पढ़ते हुए ही हमें पता चल गया है कि ये जो पेपर है ये चेस्ट जो सीटी इमेजेस हैं उनसे जो लियंस हैं, लियंस हम कहते हैं बेसिकली जो ट्यूमर्स होते हैं या जो जख्म आप कह लें, इस तरह की जो चीज होती है जो हमारे चेस्ट के ऊपर जो बन रहे हैं. और फिर उसकी क्लासिफिकेशन COVID-19 की क्लासिफिकेशन करनी है बेसिकली इस पेपर के अंदर. और जो लियंस लोकलाइजेशन है उसको फाइंड आउट करना है फ्रॉम चेस्ट सीटी, जो सीटी इमेजेस हैं. अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो सीटी स्कैन करवाते हैं, तो सीटी स्कैन में सही तरीके से पता नहीं चल रहा होता कि ये बंदा COVID-19 से इफेक्टेड है या नहीं है. वैसे तो आजकल दूसरे टेस्ट भी आ चुके हैं, जिस तरह आपके नाक में से कोई स्वैब वगैरह लिया जाता है या उस तरह के टेस्ट जो होते हैं. लेकिन ये जो है कंप्यूटर के जरिए हम टेस्ट इस तरह करेंगे, आपकी सीटी इमेज जो है वो चेस्ट की जो आप करवाते हैं, या फिर एक्सरे जो इमेजेस हैं उससे भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि इस बंदे को COVID-19 है या नहीं. तो ये इसके ऑथर्स हैं जिन्होंने लिखा है. तो बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा से कुछ चीजें रखी जाती हैं जो कि आपका जो होल पेपर होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है. जो पूरा आपका पेपर है, नीचे जो एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए हैं या फिर रिजल्ट्स आपने लिए हुए हैं उसको क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो यहाँ पे हम इसको फर्दन पढ़ लेते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या कह रहा है. एक्यूरेट एंड रैपिड डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 सस्पेक्टेड केसेस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन टाइमली क्वारंटाइन्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स. डेवलपिंग ए डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल फॉर ऑटोमेटिक COVID-19 डायग्नोसिस ऑन चेस्ट सिटी इज हेल्पफुल टू काउंटर द आउटब्रेक ऑफ SARS-CoV-2. इसको वैसे SARS-CoV-2 भी कहा जाता है क्योंकि सार्स एक जो बीमारी आई थी 2012 में, तो उसी का ये नया वर्जन है, इसलिए SARS-CoV-2 भी कहा जाता है. और इसका जो अपना नाम है वो COVID-19 है. तो यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा उसने बताया है कि हमने किया क्या है कि डीप लर्निंग का जो मॉडल्स हैं, हमारी जो डीप लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, उनसे हमने क्या किया है, इसको फाइंड आउट किया है, COVID-19 को डायग्नोज किया है. ए वीकली सुपरवाइज डीप लर्निंग फ्रेमवर्क वॉज डिवेलप्ड यूजिंग 3D CT वॉल्यूम्स टू COVID-19 क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे जो उन्होंने बेसिकली इमेजेस यूज किए हैं वो कौन सी इमेजेस यूज किए हैं, 3D CT वॉल्यूम्स यूज किए हैं जो कि COVID-19 की क्लासिफिकेशन के लिए यूज किए हैं. तो आप भी कोई भी पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी उन्होंने अपनी जो डेटा सेट्स होंगे या जो डेटा वो यूज कर रहे हैं उनके बारे में बताया होगा कि हमने कौन सी इमेजेस, कौन सी टेक्निक या कौन सा डेटा हमने यूज करके इस जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं COVID-19 क्लासिफिकेशन यहाँ पे की हुई है. अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम ले लें, जेनेटिक एल्गोरिदम को ले लें, तो वहां पे उन्होंने बताया होगा कि हमने पॉपुलेशन किस तरह क्रिएट की है या जनरेट की है. तो पॉपुलेशन जनरेट होने के बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, ये सारी चीजें जो होंगी ये एब्स्ट्रैक्ट में ये चीजें कि डायग्नोज क्या हो रही है, COVID-19 हो रहा है और किसके जरिए हो रहा है, डीप लर्निंग मॉडल के जरिए हो रहा है, और कौन सा डीप लर्निंग मॉडल यूज हो रहा है, सुपरवाइज डीप लर्निंग मॉडल यूज हो रहा है. तो इसको जब हम आगे लेके जाएंगे तो इसी डीप लर्निंग मॉडल की जब ये जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा से जो एक समरी होती है बेसिकली आपके पेपर की, वो समरी लिखी जाती है. और इस जो सुपरवाइज डीप लर्निंग ये छोटी सी फ्रेमवर्क ये यूज किया हुआ है, ये छोटी सी चीज आपको नजर आ रही है लेकिन सारी डिटेल जो होगी वो इसी के ऊपर नीचे आपको एक्सपेरिमेंटल सेक्शन में नजर आएगी. यहाँ पे सिर्फ समराइज कर दिया है कि 3D CT वॉल्यूम्स हमने यूज किए हैं, COVID-19 की क्लासिफिकेशन की है और सुपरवाइज डीप लर्निंग जो मेथड है हमने वो यूज किया है. तो अब हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं उसमें इन्होंने यूज क्या किया है कि लियन की लोकलाइजेशन की है फॉर ईच पेशेंट, लंग रीजन वॉज सिगमेंटेड. पहले इन्होंने क्या किया, जो सीटी इमेज होती है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब ली जाती है जो पूरे चेस्ट और एब्डोमेन की ली जाती है, अगर आपके उसको बेसिकली कहा जाता है कि एब्डोमेन सीटी इमेज, तो उस एब्डोमेन में से काफी सारे पार्ट्स आते हैं, आपका हार्ट भी होता है, लीवर भी है और बाकी चीजें भी है. लेकिन ये COVID-19 इफेक्ट किसको करता है, वो लंग्स को करता है जाके. इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले लंग्स जो रीजन थे उनको सिगमेंट किया, उनको अपने पास यानी कि बाकी रीजन को डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ जो रीजन रखे हैं इन्होंने वो लंग रीजन रखे. अब जो है सिगमेंटेड यूजिंग ए प्री ट्रेंड यूनिट, इन्होंने एक बेसिकली यूनिट जो है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बता रहा हूँ कि यूनिट बेसिकली एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ही है जो कि एक फुली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क FCN उसको हम कह सकते हैं, कि ये काफी सारे रिसर्च में से पहले भी यूज हो चुका है. तो ये इन्होंने उसी को उठा के ट्रेंड यूनिट को उठाया है, उसमें अपनी इमेजेस डाली हैं और उसने फिर ट्रेनिंग की है और फिर उन्होंने रिजल्ट लिए हैं. देन द सिगमेंटेड 3D लंग रीजन वॉज फेड इन टू द 3D डीप न्यूरल नेटवर्क. इन्होंने वही 3D इमेजेस जो ली हुई थी, जो सिगमेंटेड थी, उनको यूनिट के अंदर डाला है, जो हमारा जो इनका मॉडल है.
अब उसने क्या किया है टू प्रिटेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोविड 19 इन्फेक्शियस द कोविड 19 लीजन्स आर लोकलाइज्ड बाय कंबाइनिंग द एक्टिवेशन रीजन्स इन द क्लासिफिकेशन नेटवर्क एंड द अनसुपरवाइज्ड कनेक्टेड कंपोनेंट्स 499 सीटी वॉल्यूम्स वर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड 131 सीटी वॉल्यूम्स वर यूज्ड फॉर टेस्टिंग यानी कि जो हमने टोटल जो वॉल्यूम्स यूज किए हैं इस पेपर के अंदर 499 सीटी वॉल्यूम्स यूज किए हैं और 131 सीटी वॉल्यूम्स हमने टेस्टिंग के लिए यूज किए जो कि ट्रेनिंग के अंदर यूज नहीं हो रहे बल्कि ये टेस्टिंग के अंदर यूज हो रहे हैं ये इलादा वॉल्यूम्स हैं इनसे 499 जो वॉल्यूम्स हैं आप भी जब किसी भी रिसर्च पेपर को किसी भी रिसर्च को जब पढ़ेंगे तो उसमें जो ट्रेनिंग अगर आप वहां पे करवा रहे हैं तो जो चीज ट्रेनिंग के लिए देंगे वो डेटा आप कभी भी टेस्टिंग के लिए नहीं देंगे उससे मिलता जुलता डेटा होगा लेकिन टेस्टिंग का डेटा इलादा होगा। तो अब फिर मैं वही कह रहा हूं कि आपने इस पेपर पे फोकस नहीं करना टेक्निक पे फोकस ये करना है कि बाकी पेपर्स के अंदर भी जो लिखने की जो टेक्निक है वो यही होगी। तो यहाँ पे सीटी वॉल्यूम्स यूज में आपका कोई पेपर है जिस तरह सिक्योरिटी का आप कह रही थी कि वहां पे मे बी कुछ और टाइप का डेटा उन्होंने यूज किया हो सिक्योरिटी के लिए तो वो ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए उनका डेटा जो होगा वो इलादा इलादा होगा। तो अब इस एल्गोरिथम के जरिए हुआ क्या है कि 0.95 रॉक एयूसी एंड पीआर एयूसी ये चीजें आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है ना ही याद करने की जरूरत है कि ये स्टेटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं इनके जरिए उन्होंने अपने सिस्टम को नापा है कि क्या हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो स्टेटिस्टिक की बेस पे उन्होंने रिजल्ट्स अपने बताए हैं और किसी दूसरे पेपर को जब आप देखेंगे उसमें भी स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स दिए होंगे जो कि फॉर एग्जांपल एक्यूरेसी दी होगी उन्होंने स्पेसिफिसिटी दी होगी सेंसिटिविटी दी होगी या कोई सिक्योरिटी के पेपर्स अगर आप बेहतर समझते हैं जो सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के उन्होंने स्टेटिस्टिकल वैल्यूज कौन सी दी होती हैं तो वो आप देख सकते हैं। तो व्हेन यूजिंग ए प्रोबेबिलिटी थ्रेशहोल्ड ऑफ इतना क्लासिफाई द कोविड पॉजिटिव एंड कोविड नेगेटिव द एल्गोरिथम ऑब्टेंड एन एक्यूरेसी ऑफ 0.90 यानी कि 90% इनको एक्यूरेसी मिली है ए पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ 0.84 एंड अ वेरी हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज ऑफ 0.98 यानी कि जो जिनको कोविड 19 नहीं था जिन सीटी इमेजेस में तो उनके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं यानी कि 98% आए हैं लेकिन जिनमें कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स थे उसके रिजल्ट्स जो थे वो 90 या पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज 0.84 मीन के 0.84 को आप 100 से ज़रब दे दें तो इतने परसेंट बन जाएगा 84% उनके रिजल्ट्स आए। तो इन्होंने अच्छा फिर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ आप फॉर एग्जांपल जेनेटिक एल्गोरिथम का कोई पेपर है उसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उन्होंने भी लाजमी यहाँ पे बताया होगा कि हमारे सिस्टम ने टाइम कितना लिया है कितनी आइट्रेशन ली है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इन्होंने बताया है कि हमारा जो सिस्टम है वो 1.93 सेकंड्स के अंदर जो है वो डिटेक्ट कर देता है कि ये कोविड 19 का पेशेंट है या नहीं है यानी कि इतना फास्ट मेथड इन्होंने डेवलप किया है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी मशीन के बारे में बताया है कि जीपीयू हमने यूज किए हैं अवर वीकली सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग मॉडल कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द कोविड 19 इन्फेक्शंस प्रोबेबिलिटी एंड डिस्कवर लीजन रीजंस इन चेस्ट सीटी विदाउट द नीड फॉर एनोटेटिंग द लीजंस फॉर ट्रेनिंग द इजीली ट्रेंड एंड हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स प्रोवाइडेड ए फास्ट वे टू आइडेंटिफाई कोविड 19 पेशेंट्स व्हिच इज बेनिफिशियल टू कंट्रोल द आउटब्रेक ऑफ SARS-CoV-2 द डेवलपिंग डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। तो इन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है तो वो भी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कौन सा गेट हब एक वेबसाइट है मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई कोड वगैरह किसी चीज की जरूरत हो तो गेट हब पे काफी सारे ऑथर्स ने अपने कोड रखे होते हैं तो वहां से आप क्लोन करके डाउनलोड कर सकते हैं क्लोन या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनका ये टोटल जो कोड है इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है और साथ रीडमी जो फाइल होती है इसके अंदर इन्होंने सारा कुछ लिखा होता है कि इसको चलाना किस तरह इस कोड को और इसका लाइसेंस जो है वो सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप कोई और पेपर भी पढ़ेंगे मे बी उन ऑथर्स ने अपना कोड जो है वो गेट हब जो वेबसाइट है उसके ऊपर रखा हुआ होगा लाजमी जो अच्छे पेपर्स होते हैं उनका कोड इजीली अवेलेबल होता है काफी सारे ऑथर्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं यानी कि वो अपने कोड को पब्लिक कर देते हैं और उससे लोग फायदा उठा सकते हैं। तो अब जो इंडेक्स टर्म यहाँ पे हैं इनको कीवर्ड्स भी कहा जाता है या कीवर्ड्स कौन से हैं इन कीवर्ड्स से आपको पता चल जाता है कि पेपर के अंदर हो गया कोविड 19 सीटी डीप लर्निंग वीक लेवल्स एंड SARS-CoV-2 एंड डीकन्वोल्यूशन नेट। इसमें हमें वाजे पता चल रहा है कि इस पेपर में जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनकी बेस पे यानी कि ये पेपर जो है इन वर्ड्स के ऊपर बेस कर रहा है जिसमें कोविड 19 आ रहा है कि कोविड 19 के बारे में इसमें बात हो रही है सीटी इमेजेस के बारे में बात हो रही है डीप लर्निंग मेथड्स इसमें यूज हो रहे हैं और वीक लेबल ये कोई इन्होंने कोई टेक्निक यूज की है इसको डिटेल में आप देख सकते हैं और SARS-CoV-2 यानी कि इसके बारे में बात हुई है और डीकन्वोल्यूशन नेट यानी कि इसके बारे में इन्होंने बात की है। अब जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होगा उसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इन्होंने बताया कि दिसंबर 2019 इसमें एक फॉर एग्जांपल जब आप कोई चीज कोई कहानी पढ़ते हैं या फिर आप आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर के अंदर तो कभी भी आपको जो ऑथर होगा उस न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखने वाला जिसमें कॉलम वगैरह होते हैं आपके उर्दू के अखबारों में मिल जाते हैं आपको
तो उस कॉलम में आपको कभी भी जो ऑथर होगा स्पेसिफिक उस टॉपिक पे पहली लाइन से नहीं लेके जाएगा, उसके लिए कुछ तमीज बांधेगा इधर उधर से कुछ चीज, यानी कि आपको ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो उस चीज को पढ़ने में। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है कि सिंस 2019 अ लार्ज एंड इंक्रीजिंग आउटब्रेक ऑफ ए नोवल कोरोना वायरस वाज रिपोर्टेड इन वुहान हुबे प्रोविंस ऑफ चाइना। तो यानी कि उसने ये कहां से लिया है, ये एक और दो नंबर के जो रेफरेंसेस हैं पेपर के आखिर में जो होते हैं वो रेफरेंस होते हैं, तो एक और दो नंबर जो रेफरेंस पड़े हुए हैं ये जो ब्लॉग उसने ये जो वर्ड्स कॉपी किए हैं उसने वहां से किए हैं। विच कैन कॉज एक्यूरेट रेस्पिरेटरी इलनेस एंड इवन फेटल एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यानी कि उसने ये बताया कि ये वर्ड्स मेडिकल वर्ड्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, आपको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इसकी डिटेल में अगर इसी में रिसर्च करना चाहता है तो जाहिर बात है उसको पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली जो ये डिजीज होती है ये अपर रेस्पिरेटरी आपका जो सिस्टम होता है बायोलॉजी अगर हम देखें तो उसको ये इफेक्ट करता है, गले से लेके जो आपके फेफड़े होते हैं उन तक ये नुकसान पहुंचाता है। तो उसके बारे में यानी कि लिखा हुआ है, ये अपनी रिसर्च के बारे में अभी नहीं लिखा। अब उसने बताया ये है कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है, ये पांच नंबर रेफरेंस में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या चीज हमें नजर आ रही है, इंट्रोडक्शन के अंदर उसने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि ये कहां से फूटी है ये बीमारी और कहां कहां तक गई है, यूरोप में इसने कितने लोगों को इफेक्ट किया, चाइना के अंदर कितने लोगों को इफेक्ट किया, या फिर ये देखें आप स्पेन की बात हो रही है इतने लोग इतने केसेस आए, और नियर फ्यूचर में आप अपने जो पाकिस्तान के जो रिपोर्ट्स हैं आप किसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं तो अपने रिसर्च पेपर के अंदर जब डालते हैं या किसी और रिसर्च पेपर को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये रिपोर्ट आ सकती है अगर हम करना चाहें तो। तो अब जो पेपर का जो फाइनल, बाकी तो ये सारा इंट्रोडक्शन आ गया, ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि कोविड-19 है क्या और कहां से ये बीमारी आई है और किस तरीके से ये फैली है पूरी दुनिया के अंदर। अब जो लास्ट जो ये पैराग्राफ होता है अमूमन जो पेपर्स होते हैं उनमें अपने जो काम होता है पहले तो इंट्रोड्यूस कर लिया कि ये काम हम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है इसमें बेसिकली बताया ये जाता है कि कैसे हमने अपने काम को, यानी कि हमारा जो काम था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इस पेपर के जो किसी भी पेपर के आप जब पढ़ेंगे तो उसका जो फाइनल जो पैराग्राफ होगा, इंट्रोडक्शन का जो फाइनल पैराग्राफ होगा उसके अंदर क्या होगा, लाजमी उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखे होंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन्होंने डीप लर्निंग क्लासिफायर यूज किया है और क्लासिफायर परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बेटर देन द अदर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ कंप्यूटेशन कॉस्ट एंड क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस। यानी कि जो परफॉर्मेंस थी हमारे सिस्टम की वो दूसरे जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं जो कि जदीद डीप लर्निंग के मेथड्स हैं क्लासिफायर्स हैं उनसे हमारी जो टेक्निक थी वो बेहतर थी। अब तो यहां तक मैंने आपको तीन चीजें बताई, एक तो जब आपने पेपर को सिलेक्ट करना है अपने माइंड के मुताबिक आपने उसके टाइटल से ही अंदाजा लगा देना है कि इसके अंदर हो क्या रहा है, और इसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू चाहिए होगा जब आप रिसर्च करेंगे या अभी भी जो आप टॉपिक सिलेक्ट जो किया हुआ है उसके लिए दो चार पेपर आप जब पढ़ेंगे तो आपको फिर जब टाइटल पढ़ेंगे तो फिर समझ आ जाएगी इस पेपर के अंदर क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा समरी होती है, तो समरी से आपको वाजे हो जाता है कि इस टेक्निक के अंदर कौन कौन सी, यानी कि इस पेपर के अंदर कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं और कौन कौन से स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज किए हैं इसने और कैसे इसका जो काम है वो दूसरों से बेहतर है, कुछ उसने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी वाजे कर दिया होता है। और इंट्रोडक्शन के अंदर जब आप फॉर एग्जांपल जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में उसकी बायोलॉजी लिखी होगी कि जेनेटिक एल्गोरिथम जैसे डार्विन की ये थ्योरी थी और ये था तमीज बांधी होगी, और नीचे जब आएंगे तो उसने लिखा होगा कि फलां बंदे ने ऑप्टिमाइजेशन का काम किया था उसके रिजल्ट ये आए थे और फलां बंदे ने, ये सारा आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि सार्स के बारे में तो किसी ने रिसर्च में भी ना की हो लेकिन इन डीप लर्निंग मेथड्स को यूज करते हुए किसी और ऑर्गन पे अगर क्लासिफिकेशन किसी ने की है तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू सारा इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो जो लास्ट जो टॉपिक होगा, लास्ट जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर हमेशा से किसी भी पेपर को आप पढ़ेंगे उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव की बेस पे भी आप समरी को अपनी स्ट्रांग कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन को आपने समरी में नहीं डालना, ये मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन को सिर्फ उस काम की के बारे में इंट्रोड्यूस किया होता है। जब आप समरी लिखेंगे तो समरी लिखते हुए आपने कभी भी इंट्रोडक्शन का कोई छोटा सा पार्ट आप जरूर उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोविड-19 के बारे में बताया हुआ है कि ये एक वायरस है और कहाँ से ये चला है और WHO की रिपोर्ट इसमें क्या आ रही है, ये छोटी सी आप चीज लिख सकते हैं, बाकी आप कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव से उठाएंगे और कुछ आप एब्स्ट्रैक्ट से पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मटेरियल एंड मेथड्स, पेपर के अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मटेरियल्स एंड मेथड्स होता है। किसी जर्नल में सिर्फ मटेरियल लिखा होगा और मेथड जो होगा ये इलादा से एक यानी कि एक हेडिंग दी होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस जर्नल का जो टेम्पलेट है वो ये बता रही है कि मटेरियल एंड मेथड्स दूसरे नंबर पे आ रहा है, उसमें पेशेंट्स के बारे में बताया हुआ है। दिस रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी वॉज अप्रूव्ड बाय पोचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इधर इथिक्स कमेटी पेशेंट्स
consent was waived due to the retrospective nature of this study. यानी कि इन्होंने patients के बारे में यहाँ पे बताया होगा कि for example ये study जो है ये कोई university या कोचांग university इन्होंने इनको जो है वो इनकी जो committee है उन्होंने इसको research करने का मौका दिया है. अच्छा वो सिग्नल का कुछ इशू होगा, वीडियो में आपको आवाज जो है वो बेहतर मिलेगी जब आप मैं वीडियो अपलोड करूंगा. टाइम सिर्फ 10 मिनट रह गए तो इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं. कि यहाँ पे पेशेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि ये पेशेंट्स इससे पहले आ चुके हैं और ये जो उनका मॉडल होगा, कोई भी पेपर आप पढ़ेंगे उसमें ऑथर्स ने क्या किया होगा, एक मॉडल दिया होगा और वो ग्राफिकल मॉडल होगा. तो यहाँ पे ग्राफिकल मॉडल से हम यहाँ पे आप इमेजेस से अंदाजा लगा सकते हैं. इन्होंने क्या किया है, पहले सीटी इमेजेस जो रही है जो कि मशीन से हम लेते हैं सीटी मशीन से, फिर उसके बाद इन्होंने सिस्टम में डाला है जो जहाँ पे लंग्स आ रहे थे उन्होंने, ये लंग्स हैं आपके यहाँ पे, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं लेकिन सिगमेंटेशन के बाद इसका कलर व्हाइट हो गया, बाकी बैकग्राउंड को इसने रिमूव कर दिया. तो ये जो लंग्स हैं उसको सिगमेंट किया है. फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो मॉडल था 3D BN प्लस रेलू, ये जो इसकी ले रहे हैं कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम एल्गोरिथम का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर हम डिटेल पढ़ेंगे लास्ट में कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क काम किस तरीके से करता है. तो ये चीजें वहां पे आपको समझ आ जाएंगी. तो 3D पूलिंग लेयर्स हैं और 3D ड्रॉप आउट हैं और कुछ फुली कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, यानी कि सॉफ्टमैक्स ये क्लासिफायर यूज किया हुआ है. तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, जब आपने काफी सारे पेपर्स पढ़ लिए होंगे तो आप ग्राफिकल जो मॉडल उनका होगा उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसने इसने काम क्या किया है और इसने जो लेयरें यूज की हैं या फिर जो मॉडल यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिक्योरिटी का ही एक पेपर है नेटवर्क सिक्योरिटी का, तो लाजमी बात है वहां पे भी उन्होंने पूरे जो मॉडल होगा उसमें बताया होगा और लेयर वाइज बताया होगा कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, शुरू से हमने स्टार्ट में कौन सा डेटा दिया, उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट्स कौन से मिले और फिर कौन से जो स्टेप्स थे हमने फॉलो करते हुए नीचे तक रिजल्ट्स तक हम पहुंचे. तो इन्होंने भी यही बताया है कि हमने ये इमेजेस लिए और इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है कि रिजल्ट्स फाइंड आउट किए. तो अब इमेज एक्विजिशन के बारे में इसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक लॉजिकल टर्म्स हैं. तो ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स क्या होते हैं, सर अगर हम मतलब अपनी रिसर्च कर रहे थे या खुद से ही हमने काम किया हुआ है तो फिर सर हम पेपर को मतलब इसी अकॉर्डिंगली लिखेंगे या फिर खुद से ही लिखेंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन उसका और मेथोडोलॉजी वगैरह. ये देखें जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर जिस जर्नल का है उन्होंने ये टेम्पलेट दी होती है कि आपने पेपर जो लिखना है इस बेस पे लिखना है, अगर आपने इस जर्नल में पब्लिश करवाना है, क्योंकि जितना जर्नल अच्छा होगा तो आपको फ्यूचर में उसका उस रिसर्च का फायदा हो सकता है. उसी बेस पे आपकी आप किसी जगह पे जॉब पे जाएंगे या फिर जो भी होगा उसी रिसर्च बेस पे ही जाएंगे, या PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आपका एक आध पेपर अगर मास्टर्स में आ जाता है तो आपको इजीली कोई सुपरवाइजर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी दुनिया के किसी कोने में, अगर आपका अच्छा पेपर है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे. लेकिन सर पेपर के लिए तो जिस तरह जर्नल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो इस टाइम दो ही नहीं चल रहे, एक IEEE वालों का टेम्पलेट चल रहा है और एक इंटरनेशनल टेम्पलेट है मेरे ख्याल में, वो नहीं लेक्सिस वालों का है या नहीं लेटेक्स आप कह रहे हैं? जी जी सर लेटेक्स में इन्होंने जो जर्नल का टेम्पलेट दिया होगा ना इन ऑथर्स को, तो वो लेटेक्स का टेम्पलेट होगा या फिर वर्ड का टेम्पलेट होता है, वो तो टेम्पलेट बेसिकली दिया होता है उन्होंने. जो पेपर आपने लिखना होता है वो मटेरियल आपका अपना होता है, आपने इधर उधर से यानी कि मुख्तलिफ पेपर्स को पढ़ के आपने इकट्ठा किया होता है. और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा था कि जो चीजें आपने समरी में लिखनी है इन चीजों को इंट्रोडक्शन को इन चीजों को नहीं लिखना, क्योंकि इसका काम नहीं है इस बंदे का, इसने सिर्फ तमहीद बांधी हुई है कि इस तरीके से COVID-19 आया है और मुख्तलिफ ऑथर्स ने उसको लिखा हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 नंबर रेफरेंस तक ये यहाँ तक पहुंचाया है. तो इंट्रोडक्शन में तो बेसिकली सर हम वैसे भी मतलब सारे जितना काम हुआ होता है या जो उसका इंट्रो चल रहा होता है उसको इंट्रोड्यूस किया होता है. हमारा काम तो मेथोडोलॉजी के अंदर होता है या जब हम थर्ड पोर्शन यूज करते हैं उसके अंदर करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, तो यही चीज मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ. इमेज एक्विजिशन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स क्या होता है इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी थ्योरी है. ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स आप किस तरह बनाते हैं, फिर प्रपोज्ड डीकन्वोल्यूशनल, जिन्होंने काम किया हुआ है उनको पता है कि लेबल्स क्या होते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके बारे में उनको बताना ये इस वक्त यानी कि प्री आप समझ लें, आप समझ लें कि आपको इसको रिसर्च को समझने के लिए. तो बेसिक आपको यहाँ पे समझना क्या है कि वीकली सुपरवाइज्ड लर्निंग लोकलाइजेशन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर, इनका ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस क्या है. आपने इसके मॉडल को देखना है, जो समरी में लिखना है आपने इसके मॉडल्स पे आपने काम करना है. देखें ये सीटी इमेजेस इसने ली हुई है, फिर इसने क्या किया हुआ है उसको सिगमेंट किया हुआ है सीटी इमेजेस लंग्स को जो है वो सिगमेंट किया हुआ है, ये आपको लंग्स नजर आ रहे हैं, इसको सिगमेंट करके उसमें से लियंस निकाले हुए हैं, 3D एक्टिवेशन रीजन्स निकाले हुए हैं और यहाँ पे जो मॉडल कंप्लीट हो रहा है ये कैम एक्टिवेशन रीजन्स हैं और उनसे फिर जो इनके मॉडल से जो रिजल्ट्स आए हैं उसके साथ कंपेयर करके इन्होंने जो जो इफेक्टेड रीजन्स थे
उनको फाइंड आउट किया है कि जो इस जो लंग्स हैं इनके अंदर जो इफेक्टेड रीजन है उनको फाइंड आउट किया है लोकलाइजेशन रिजल्ट, यानी कि जो सेगमेंट किया है उस लीजन को, जो मैंने आपको बताया था जो बीमारी की वजह से जख्म हो जाता है जो भी होता है उसको हम लीजन कहते हैं या ट्यूमर भी कहा जाता है। तो बेसिकली लीजन हम जो यूज करते हैं जख्म या इस टाइप की जो चीज होती है हम ट्यूमर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो इफेक्टेड एरिया होता है उसके अंदर, उन्होंने फाइंड आउट किया है। तो अब इससे डॉक्टर्स को क्या फायदा होगा, डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो इफेक्टेड है। तो जो स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स होंगे उसको भी आपने समरी में लिखना होगा कि इस बंदे के स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स क्या आए हैं। और जब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप समरी लिखेंगे तो उसमें ये AUC इसने रिजल्ट लिखा है, जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं या फिर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो वहां पे भी उन्होंने लाजमी कोई स्टेटिस्टिकल टर्म यूज की होगी। तो यहाँ पे AUC यूज हुआ है, तो ये AUC है क्या और किस फार्मूला के जरिए निकलती है, तो आपने उस समरी के अंदर मेंशन करना होगा। जो प्रेजेंटेशन मुझे आप देंगे उसके अंदर आपने लाजमी ये बताना होगा कि ये स्टेटिस्टिकल टर्म है, इसका फॉर्मूला क्या है और ये किस तरीके से ड्राइव बना किया और क्यों इस कैसे ये रिजल्ट्स ले लिए। तो बेसिकली आपने ये इतना मुश्किल नहीं होता, एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव और इस तरह की कुछ वैल्यूज दी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव क्या होते हैं ट्रू नेगेटिव क्या होते हैं, उसके फॉर्मूला में ट्रू पॉजिटिव को कहां पे लिखते हैं ट्रू नेगेटिव को कहां पे लिखते हैं। मतलब सब प्रेजेंटेशन में हमने मतलब मेथोडोलॉजी जो भी यूज कर रहे हैं उसको फुली एक्सप्लेन उसकी हर चीज को पता होना चाहिए, बिल्कुल बकाया इतना नहीं हमने वो करना बाकी पेपर को आपने, इसीलिए मैंने पेपर आपके सामने रखा है ताकि आपको समझ आ सके कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स होंगे ये भी आपने बताने हैं, एक्यूरेसी इसकी कितनी कितनी आई है, PVR कितनी आई है, NPV क्या आई है और ये NPV है क्या, PPV है क्या, ये जाहिर बात है ये लिखा हुआ है उन्होंने पेपर के अंदर, PPV क्या है पॉजिटिव प्रिडिक्शन वैल्यू, NPV क्या है नेगेटिव प्रिडिक्शन वैल्यू, ये सिंपल सी चीज है और एक्यूरेसी सिंपली आप ले सकते हैं और इन्होंने 10 जो थ्रेशहोल्ड हैं उनके ऊपर वैल्यूज ली हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन नेटवर्क्स। अब किसी भी पेपर में आप जाएंगे तो उसमें यही होगा कि उन्होंने दूसरे जो सिमिलर टेक्निक्स होंगी, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक्स हो, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स की टेक्निक्स हो, या फिर हमारे यहाँ ये क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, तो दूसरे लोगों ने क्या काम किया है आपने टेबल के अंदर उसको समझना है कि दूसरे लोगों ने ये रिजल्ट्स दिए।